दोस्तों 2024 के लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट को लेकर काफी सारे लोग काफी उत्साहित हैं कि आखिरकार सरकार किन की बनेगी 4 जून को। तो चलिए लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट्स पर नजर डालने के लिए हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। WB न्यूज हेडलाइंस की आजाद पत्रकारिता में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लाल मोहम्मद। आइए बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं कि साल 2024 के इस लोकसभा इलेक्शन में किसकी सरकार बनने जा रही है 4 जून को। देखना यह है कि कौन से स्टेट से किसकी पार्टी, कौन सी पार्टी कितनी सीट लेकर आती है, खास करके हिंदुस्तान पर। आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदुस्तान के सभी सीट्स पर नज़र डालेंगे, खास करके पश्चिम बंगाल की सीटों पर नज़र डालेंगे। दोस्तों इससे पहले कि मैं आपको रिजल्ट्स के बारे में बताऊं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताना चाहूँगा। हर बार हम लोग वीडियो को लाइव करके या वीडियो को अपलोड करके आपको डाटा नहीं बता सकते, तो आप चाहें तो हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप चैनल को फॉलो करके व्हाट्सअप पर मिनट मिनट की अपडेट ले सकते हैं। व्हाट्सअप पर आपको मिनट मिनट पर अपडेट मिल जाएगी। अगर व्हाट्सअप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आपका व्हाट्सअप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दी से क्लिक करके फटाफट से व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कीजिए और लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट को मिनट मिनट में आपको व्हाट्सएप पर मिलता रहेगा। वैसे फेसबुक पर और यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, और फेसबुक पर अगर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आप रिजल्ट की कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में अब तक का जो रिजल्ट आया है उसमें बीजेपी को 3 सीट दिखाए गए हैं, कांग्रेस को 1 सीट दिखाया गया है, और साथ ही साथ तृणमूल कांग्रेस को 18 सीट दिखाए गए हैं। टोटल 22 सीटों में काउंटिंग चल रही है, जिसमें से 22 सीट में से कांग्रेस को, तृणमूल कांग्रेस को 18 यानी कि टीएमसी को 18 सीट दिखाए गए हैं, कांग्रेस को 1 सीट दिखाया गया है, और जिसमें से बीजेपी को 3 सीट बताया जा रहा है। यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है तृणमूल कांग्रेस के लिए, जो कि 22 सीट में अब तक की चुनाव काउंटिंग जो चल रही है। अभी उत्तर दिनाजपुर जैसे ज़िले में बाकी है, जैसे कि रायगंज लोकसभा सीट में अभी नहीं हुआ है। तो बहरहाल जहाँ पर यह वोटिंग काउंटिंग हो रही है वहाँ की जो अपडेट, लेटेस्ट अपडेट है वो अब तक यही है। बने रहिए, हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट देते रहेंगे पूरे पश्चिम बंगाल के बारे में और साथ ही साथ हिंदुस्तान के सभी सीटों पर।